पर भगवान से विमुख होकर दुर्लभ ही दुर्लभ है, समझ पा रहे महाराज श्री? मेरी लाडली सियाजू, ये ठसक कभी तो प्रबलता से आती है और कभी लुप्त सी हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। देखो अभी अभी क्या है, गुणों के चक्र में चल रहे, अभी गुणातीत थोड़ी हो गए हो। सतो गुण आया तो अच्छा लगने लगा, रजो गुण आया तो भोग अच्छे नहीं लगे, भोग अच्छे लगे, तमो गुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद जागृत हो गया। ये कोई स्थिति है क्या? अभी तो गुण में है ना, तो इसमें कोई आगे बढ़ते चुपचाप चलते हो। कम से कम इतनी बात तो आने लगी कि हम श्री जी के हैं, कोई ना कोई नाम रूप लीला धाम का चिंतन तो बनने लगा। जहां पूरा विषय का चिंतन होता है कुछ समय तो चलने लगा। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सब समय ले लो, वो तुम्हारे हाथ में है। अभ्यास ढीला कर दो तो जो शुरू किया वो भी भूल जाओगे, अभ्यास और टाइट करते चले जाओ तो विषयों से बचत होती चली जाएगी और श्री जी का चिंतन होता चला जाएगा। इसमें समझना है बहुत। देखो परमार्थ क्या, बहुत सुलझन का मार्ग है ये, उकताया हुआ पुरुष एकदम जल्दीबाज इसमें नहीं, ये बहुत गंभीरता पूर्वक विवेक पूर्वक चलने वाला मार्ग है। इसलिए इसमें उकताना नहीं, घबराना नहीं है और देखना है हमारी श्री जी है। अब मन स्वीकार करे ना स्वीकार करे, हम पहले स्वीकार, सोहम तवई आश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तो जब हम आश्रित हो गए तो हमारे करण भी आश्रित हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि उनको हमने विषय सेवन के लिए छूट दी है ना, उनका अभ्यास गलत हो गया है, वो आज हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन जब वो बात हम मनाना चाहेंगे वही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अधीन है। अब ये बात हम भूल करके हम उनके अधीन होते चले गए, यही हमारी दुर्गति का कारण हुआ। गुरु प्रसाद से भगवत कृपा से ये समझ में आया कि ये तो मेरे ही बल से बलवान है, मेरी अनुमति के बिना आज्ञा के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकते। बस अपने विवेक के बल से इन पर शासन करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो गुणातीत हो जाओगे। स्वरूप पर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता, अंतःकरण पर ही तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। जहां आपको अपने स्वरूप की तरफ गति हुई तो अंतःकरण त्रिगुण माया से जो रचित है उसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, भगवत स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसी से वो चैतन्य है। जहां अनुभव हुआ गुणातीत हुए तो अपने आप हर समय जो दासी स्वरूप है, जो सखी स्वरूप है, या जो भी स्वरूप भावना की जाती है जागृत हो जाता है। खूब लगे रहो, नाम जप प्रधान रखो, समझ रहे हो ना जी।